अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2 दिसंबर 2024 की अपडेट्स को और 1 दिसंबर 2024 सुबह से लेकर रात तक की बड़ी अपडेट को कवर करेंगे। जी हाँ, आज इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा कमेंट का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। जी हाँ, सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी बच्चों ने कमेंट्स किया है। जी हाँ, एक बहुत ही लंबी लिस्ट है कमेंट को लेकर, तो सभी बच्चों के कमेंट का आंसर होगा काउंसलिंग और स्टेट रैंक स्पेशली कवर किया जाएगा। और देख सकते हैं, हमने एक सवाल भी कहा था कि जो ऑनलाइन पेपर है उसमें लीक होने के भी चांस रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं, कुछ भी बोलते हो, ऑनलाइन इज द सेफेस्ट मोड ऑफ एग्जाम, हैक करना है तो गूगल नासा को हैक करेगा, ऑफलाइन में तो प्रिंट आउट के टाइम भी लीक हो जाता है। ठीक है, तो आपको बता दें इससे पहले भी कुछ एग्जाम ऑनलाइन हुए थे जिसमें भी पेपर लीक की बात सामने आई थी। ठीक है, अगर कोई भी पेपर बनता है चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पेपर पहले ही तैयार होता है। ये मत सोचिएगा कि भैया पेपर 5 मिनट पहले जैसे आपको दिखता है ना। ठीक है, तो वो सारी बातें अभी चलिए उस पर हम लोग देखेंगे। तो एक और बात आपको बताना चाहेंगे, अगर हम कोई बात बोल रहे हैक होने की तो हमारी खुद की वेबसाइट है, हम खुद भी वेबसाइट बना सकते हैं और हमारा खुद का एंड्रॉयड का ऐप भी है। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं कोई बात बोली जाती है कि वो हो सकता है कि नहीं। बाकी आपको पता होगा, आप एक क्लिक करते होंगे आपके बैंक अकाउंट से सारा पैसा उड़ जाता है। वो भी दोस्तों कोई सर्वर होते हैं, सब जगह कुछ ना कुछ होता है। देख सकते हैं फिलहाल काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स हैं। ठीक है, सबको देखेंगे, काफ़ी बच्चों को सीखने की कुछ बातें दिखेंगी। जी हाँ, देख सकते हैं कितने लंबे लिस्ट है आज कमेंट्स की, आज बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स हैं। तो सभी बच्चे वीडियो अंत तक देखिएगा, और अगर आपका कोई डाउट रहेगा एडमिशन से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित, टीचर बनने से संबंधित, फेल हो गए हम, बैक लग गई है, क्या करना होगा, ये 15 जनवरी वाली जो डेट थी हमने आपके सामने रखा था। ठीक है, फिलहाल पहले था कि 12 दिसंबर तक आपकी क्लासेस शुरू हो जाती तो आप लोग आराम से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर पाते। आगे क्या होगा, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले एक बार वहाँ पर बात भी करेंगे स्टेट रैंक को लेकर, और आगे काउंसलिंग में सीट आपको नहीं मिलेगी। देखिए, अगर आपको कोई सीट मिल गई तो कितना प्यारा कलर का आएगा ऐसे। ठीक है, अगर आपको कोई सीट नहीं मिलेगी तो सॉरी लिख कर आ जाएगा। उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है वो सारी चीज़ें ठीक हैं, और काउंसलिंग की जो डेट्स होंगी, रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन समय लगेगा। ठीक है, तो एक एक करके आज के सभी कमेंट का आंसर किया जाएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। उम्मीद करेंगे सबसे पहले 12th वर्सेस ग्रेजुएशन का मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते आपकी स्टेट रैंक डिले हो रही है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए पहले। 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन की प्रक्रिया या फाइनल प्रिंटआउट जो भी था वो चला, 25 अक्टूबर से हम लोग 25 नवंबर पहुंच गए, एक महीने बाद। नवंबर का महीना तो एकदम खराब गया होगा डीएलएड एडमिशन को लेकर अगर आप सोचेंगे तो, क्योंकि नवंबर के महीने में कुछ भी नहीं हुआ, ना तो आवेदन की कोई प्रक्रिया होती है ना तो एडमिशन का कोई प्रोसेस आगे बढ़ता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं आगे। सर मैं ठीक है यूपी से हूँ, क्या मैं बिहार से डीएलएड कर सकता हूँ? देखिए, आप बिहार डीएलएड में क्या नोटिफिकेशन है उसको एक बार पढ़िएगा, उसके बाद ही बिहार डीएलएड जाइएगा। जैसे यूपी में पिछले साल तक क्या था आपको बता दें, अगर आप यूपी डीएलएड में 2023 बैच में अगर एडमिशन लेते तो यहाँ पर सख्त रूल था कि कोई भी बच्चा यूपी के बाहर का यूपी में एडमिशन नहीं ले सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखकर आप बिहार में डीएलएड करिएगा। बाकी आप बिहार के निवासी नहीं हो जाएंगे, ये मत सोचिएगा कि अगर हम यूपी के छात्र हैं और बिहार से डीएलएड कर लेते हैं तो बिहार में कोई वैकेंसी आएगी तो वहाँ के आप निवासी नहीं काउंट होंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये आप सोचेंगे यार वहाँ का आरक्षण का फायदा उठाकर हम नौकरी ले, ऐसा नहीं होगा। सही बात है क्या? ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा, नया रजिस्ट्रेशन का डेट देगा। देखिए, एक बात आपको बता दें, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए वो एडमिशन के पात्र नहीं होंगे। हाँ, माइनॉरिटीज के कॉलेज में आप जा सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो अगर डेट एक बार और एक्सटेंड हो जाती है, आवेदन की लास्ट डेट बढ़ जाती है, तो वो आपके लिए बहुत फायदे वाली बात होगी। काउंसलिंग कब से होगी सर? ठीक है, तो इसके लिए पहले स्टेट रैंक आने दीजिए, स्टेट रैंक के जस्ट अगले दिन से आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो अब इसकी जो खुशखबरी है बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। काउंसलिंग कब से होगी, थोड़ा सा सब्र रखिए। सर, रजिस्ट्रेशन डेट कब एक्सटेंड होगा? जी हाँ, देखिए यही वाला सवाल हम आपको बता रहे थे, अगर ये हो जाए तो हजारों बच्चों का भविष्य बच सकता है, कम पैसे में एडमिशन हो सकता है, नहीं तो भी ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। कब आएगी डेट? ऐसे तो पूरा साल चला जाएगा, चला ही गया है। आज 2 दिसंबर को हम इस वीडियो में डिस्कशन कर रहे होंगे
ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना ही दिन बचा है। ठीक है, फिर 2025 में आप लोग चले जाएंगे, लेकिन आपका बैच ये 2024 ही कहलाएगा। सर, काउंसलिंग की डेट कब आएगी? जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। लग नहीं रहा है कि अब DL Ed में एडमिशन हो जाएगा। नहीं, एडमिशन तो आपका होकर रहेगा, ऐसा नहीं कि होगा नहीं। सर, मेरा 227 है, जनरल से हूँ और हमें सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। सर, बहुत ही मुश्किल रहेगा, आपको हम एकदम क्लियर बता रहे हैं, जनरल कैटेगरी में बहुत ही मुश्किल है। अगर आपका AWS होता तो एक बार हम सोचते कि हो सकता है, जनरल में बहुत कम चांस है। सर, स्टेट रैंक कब आएगा? बहुत ही जल्दी खुशखबरी मिलेगी। संजय जी, थैंक यू सर, आपका वेलकम है। भाई, कब तक आएगा? जी हाँ, बेसब्री से इंतजार सभी बच्चे कर रहे हैं आपके जैसे, जल्दी खुशखबरी मिलेगी। सर, अदर स्टेट वालों की काउंसलिंग हो गई क्या? अभी तो यूपी के बच्चों की नहीं हुई। ठीक है, फिर अदर स्टेट के बच्चों का, सबका होगा। सर, क्या अदर स्टेट वालों को DL Ed प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी एग्जाम? देखिए, आपको एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ठीक है, हेलो सर, बिल्कुल हेलो व्हाट्सएप। सर, यूपी DL Ed काउंसलिंग डेट कब तक आएगी? देख सकते हैं सभी बच्चे एक ही सवाल कर रहे हैं। ठीक है, यूपी BTC काउंसलिंग कब होगा? जल्दी आपको इसके लेकर खुशखबरी मिलेगी। मामला खाली ग्रेजुएशन वाला फंस रहा है और 12वीं क्लास वाला। ठीक है, जब भी मामला कोर्ट में जाता है तो अभी देखिए, कोर्ट में मामला लिस्ट कराने से काम नहीं चलेगा, कम से कम कुछ तो स्टे ऑर्डर लेना पड़ेगा ना वहाँ पर PNP को, ताकि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अभी तो 12वीं क्लास वाले छात्र वाले जीत चुके हैं ना मामला, ठीक है, केस को, कि ठीक है 12वीं बेस पर एडमिशन होना चाहिए, तो इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता। चलिए, अब देखते हैं इस सवाल को। कुछ भी बोलते हो, ऑनलाइन इज द सेफेस्ट मोड ऑफ एग्जाम। हैक करना है तो गूगल नासा को हैक करेंगे। ऑफलाइन में प्रिंट आउट टाइम पे लीक हो जाता है। यूपी पुलिस RO ARO ठीक है, ऑफिसर लीक करवाते हैं। यूपी PCS जो लॉजिक है बंद मजा देते हैं ऑनलाइन में। सर्वर रूम होता है, 5 मिनट पहले पासवर्ड आता है। चलिए, एक बात और आप समझ लीजिए। ठीक है, जो भी बड़ी बड़ी बातें होंगी, तो जब कोई चीज़ ऑनलाइन होती है ना, तो उसको हैक किया जा सकता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भी हैक हो सकता है, हैकर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी का मतलब कुछ भी वो कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑफलाइन एग्जाम होता है वो सेफेस्ट क्यों होता है? जैसे जब चुनाव का रिजल्ट आता है ना, कुछ लोग को EVM पर भरोसा होता है, कुछ लोग कहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग टेक्नोलॉजी की तरफ आगे तो बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारी खुद की वेबसाइट है, क्या उसको हैक नहीं किया जा सकता? बहुत आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पेपर ऑफलाइन होता है, आप किस पेपर को लीक मानते हैं? जो पेपर आपको खुद मिलता है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, सोशल मीडिया पर बात चलती है, भैया पेपर आउट हो गया, पेपर आउट हुआ। ऐसा एक एग्जाम में हुआ था, इंस्टा मतलब टेलीग्राम पर कुछ बच्चों ने फेक कटिंग नहीं होता जैसे लगा दे के आउट हुआ था, बाद में वहां पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था, कुछ भी मतलब उठाकर। ठीक है, तो होता है। बाकी जो ऑनलाइन एग्जाम होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन में पता है क्या होती है, वो हम आपको बताते हैं। पेपर एक दिन में नहीं हो पाता, ठीक है, वही पेपर 15 दिन चलता है, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन वाली दिक्कत आती है, ये सारी दिक्कतें रहती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, काफ़ी बच्चे इसको लेकर भी कहते हैं नॉर्मलाइजेशन में कौन सा पेपर आसान होगा, कौन सा कठिन होगा, वो तय आप नहीं करते हैं, पेपर कठिन है कि नहीं। जो उस एग्जाम में बच्चे बैठ रहे हैं, मान लीजिए टॉपर बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, सारे टॉपर बच्चे बैठ गए, मान लीजिए 70% बच्चे क्या हैं, टॉपर हैं, और 30% बच्चे क्या है, कमजोर हैं। जहां टॉपर बच्चे रहेंगे उनको तो सारे क्वेश्चन वैसे ही आते रहेंगे, तो ऑटोमेटिक ही एक हार्ड क्वेश्चन पेपर वो इजी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए कोई एग्जाम ऐसा बैच हो जहां पर 90% बच्चे एकदम कमजोर छात्र हो, 10% बच्चे टॉपर हो, तो ये क्वेश्चन पेपर क्या हो जाएगा, भले ही कितना आसान क्यों ना हो, अब कमजोर बच्चे उनको क्या ही आएगा। तो उसमें नॉर्मलाइजेशन में जो बच्चे टॉपर थे, 90 नंबर बनना होगा, 10 नंबर और मिल जाएगा नॉर्मलाइजेशन का, ये फायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए सब कुछ ऑफलाइन ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर कोई पेपर आउट हो रहा है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाए, बाकी आप हैकर को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका मोबाइल विद इन सेकेंड कोई हैक कर सकता है, आपका लैपटॉप हैक कर सकता है, यूट्यूब चैनल कितने हैक हो चुके हैं आप लोग जानते होंगे, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, आप देखेंगे चैनल वेबसाइट्स पर पता चलेगा, और काफ़ी जानकारी, एक बात याद रखिएगा, गूगल के माध्यम से लिया करिए, वो ज़्यादा सटीक रहता है। ठीक है, जिसको आप क्रोम ब्राउजर कह सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन। सर, प्लीज़ ये बता दीजिए कि जब चॉइस फिलिंग के वक्त 1,000 रुपये पड़ते हैं, 41,000 में ऐड होते हैं कि नहीं? देखिए, चॉइस फिलिंग के लिए आपको मिनिमम 5,000 रुपये देना पड़ता है, प्लस में
5,000 सीट लॉक करने के लिए, ठीक है। टोटल आपका 10,000 पड़ता है, तो जिन बच्चों की फीस 41,000 होती है उनमें से 10,000 माइनस करके बाद में आप लोग 31,000 पेमेंट और जमा करते हैं। सरकारी कॉलेज की फीस एक साल की 10,200 होती है, अगर आपने पहले ही 10,000 जमा कर दिया, ठीक है, करना ही पड़ेगा, बाद में आपको मात्र 200 रुपये में सरकारी में एडमिशन मिल जाएगा। और सर रैंक में नंबर आ जाएगा क्या? 161 OBC है। देखिए आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर जा सकती है, ठीक है, इसको ध्यान देना होगा। कब आएगी स्टेट रैंक? जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। सर प्लीज़ बताइए स्टेट रैंक कब तक आएगा? ठीक है, थोड़ा सा सब्र करिए। सर कब से होगी काउंसलिंग? जी हाँ दोस्तों, जल्दी खुशखबरी मिलेगी। 230 OBC भदोही डायट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले राउंड में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। प्लीज़ कोई MSc जियोलॉजी के लिए यूट्यूब चैनल बता सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग सर्च करिएगा, 175 में एडमिशन होगा अदर स्टेट। जी हाँ, कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज तो मिलना चाहिए सर, अब और लेट मत कीजिए। जी हाँ, देखिए गलती क्या है ना, जब मामला कोर्ट में जाता है, ठीक है, सर कंफर्म बता दीजिए आएगा स्टेट रैंक? बिल्कुल स्टेट रैंक आएगा, थोड़ा सा सब्र करिए। देखिए अभी आप लोग कोर्ट के चक्कर में फंसे नहीं है, ठीक है। 2011 वाली वैकेंसी 2024 में कंप्लीट हो रही है, हमने आपको दिखाया था ना, ध्यान रखिएगा। 256 नंबर जनरल, आराम से सरकारी कॉलेज मिलेगा। सर DELED में 2024 सेशन में एडमिशन होगा कि नहीं? अगर हो जाएगा तो क्या सेशन लेट रहेगा, और एडमिशन हो जाएगा तो एग्जाम कब तक होगा? देखिए जब आपकी पहली क्लास चलेगी, फर्स्ट क्लास, जैसे पहले सब कुछ समय से होता तो 12 दिसंबर को आपकी पहली क्लास चलती, तो पहली क्लास जब भी चलेगी, मान लीजिए 1 जनवरी को चलेगी, तो उसके 6 महीने के बाद ही आपका एग्जाम संभव है। UP DELED एडमिशन 2024 मजाक बन के रह गया, बिल्कुल सही बात है। सर DELED 2024 सेशन में एडमिशन होगा कि नहीं? ठीक है, ये बात हो गई। UP DELED टाइम पे सेशन कंप्लीट करती है? नहीं, टाइम पर नहीं, थोड़ा लेट ही चलेगा। सर काउंसलिंग कब तक होगी? थोड़ा सब्र बनाइए। सर 200 नंबर वाले कौन से राउंड में काउंसलिंग होगा? ये तो या तो फोर्थ में होगा या तो डायरेक्ट होगा। सर मेरा टोटल 231 है गवर्नमेंट कॉलेज, जी हाँ चांस बनेगा। PRT में सुपर टेट कितने क्लास तक के क्वेश्चन पूछे जाता है पूरा सब्जेक्ट? ये मान के लिए 1 to 12th, 12वीं क्लास तक के आपका सिलेबस रहेगा शिक्षक भर्ती में। सर न्यू पोस्ट पर पेंशन किस प्रकार मिलेगा? पेंशन की बात नहीं चल रही है, NPS चल रहा है फिलहाल, OPS तो चल नहीं रहा है, ये NPS के माध्यम से। शुरू में सैलरी कितनी मिलेगी और PRT में और जूनियर में कितनी? देखिए जूनियर में आपकी PRT से मतलब 5,000 रुपये मान के चलिए प्लस ही रहता लगभग, ठीक है, और स्टार्टिंग सैलरी 50,000 से स्टार्ट होगी जब आप लोग आएंगे, हम आपकी बात कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा ही रहेगी। प्राइमरी टीचर का वेतन बढ़ने वाला है क्या सर? जी हाँ चांस रहेगा। सर मेरा 241 से गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है अयोध्या? जी हाँ आराम से। सर BPSC में 1 to 5 PRT वालों की सैलरी कितना होता है? एक बच्चे से बात हुई थी, लगभग 35,000, ये लगभग आप मान के चलिएगा 44 से 45,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी एक साल के अंदर सैलरी। सर UP में 1 to 5 वालों की सैलरी कितना होता है जूनियर क्लास की? UP में बिहार से ज़्यादा ही सैलरी आपको मिलेगी थोड़ी सी। सर BTC में कौन सा सब्जेक्ट 4 सेमेस्टर का है जो पढ़ने में हमें पूरा का पूरा सीटेट और सुपर टेट में काम आ जाएगा? देखिए आपको इंग्लिश सीटेट में भी मिलेगी और संस्कृत मिलेगी, आप इन दोनों में से एक लेना रहेगा, ठीक है, एक ऑप्शनल। और जो मैथ रहेगी वो सीटेट में काम आएगी, DELED में भी 4 सेमेस्टर में हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश, ये तीन, और बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन, टोटल ये सारे सब्जेक्ट हैं सीटेट के। अगर सर जी मान लीजिए कि हम लोग 2024 तक BTC क्लियर कर लिए, 2027 में टीचर की वैकेंसी आने की संभावना है, यदि वैकेंसी आ रही तो सभी तैयारी में जुट जाए, नहीं तो आगे अपना दूसरा करियर बनाने में सोचे। देखिए वैकेंसी की गारंटी कोई भी नहीं ले सकता, हम क्या दुनिया का कोई इंसान। सर मेरा 197 है, जी हाँ करीब BTC कर सकते हैं, स्टेट रैंक जल्दी आपको देखने को मिलेगा। सर 221 नंबर है SC कैटेगरी, जी हाँ डाइट का चांस बनेगा क्योंकि SC कैटेगरी है। सर स्टेट रैंक आ गई क्या? अभी नहीं लेकिन जल्दी मिलेगा सुनने को आप। सर दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा? जी हाँ, ये मान चलिए स्टेट रैंक और काउंसलिंग का फाइनल हो जाना चाहिए। सर काउंसलिंग जल्दी होगी, 246 नंबर है, आराम से डाइट मिलेगा। मेरा 212 है आजमगढ़ से। सर 2024 के बाद ही होगा क्या? कब से यही लगा कि जल्दी होगा? PNP को जो भी करना है वो देखिए ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते ना, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। 250 है डायरेक्ट मिलेगा आपको। सर DELED BTC में एडमिशन होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, UP में DELED कोर्स को ही बंद कर दिया जाए, देखिए ऐसा नहीं, नहीं तो 125 पे आप नौकरी कैसे पाएंगे? सर मैंने UP DELED का फॉर्म फिल नहीं किया है, क्या मैं डायरेक्टली एडमिशन ले सकती हूँ? पैसा ज़्यादा लगेगा, ठीक है, माइनॉरिटी के कॉलेज पता कर लीजिए। सर कब एडमिशन होगा कॉलेज में? जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, ये 15 जनवरी तक बात थी,
ठीक है, यहाँ पर देखिए शैक्षिक सत्र 2024-25 में, ठीक है, छात्रवृत्ति आवेदन से वंचित विद्यार्थियों को अंतिम मौका दिया गया है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की योजना से वंचित होने की सूचना पर शासन ने संशोधित समय सारिणी जारी की है। जारी संशोधित समय सारिणी के अनुसार 15 जनवरी तक आवेदन और 23 जनवरी तक कॉलेजों को सत्यापित कर अग्रसारित करना पड़ेगा। ये सारी बातें हैं दोस्तों। जब आप अपने स्टेट रैंक डाउनलोड करेंगे तो स्टेट रैंक डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, आप स्टेट रैंक में हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन की परसेंटेज रहेगी। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके, देखिए आप जब चॉइस फिलिंग करेंगे तो वहां पर आप अनलिमिटेड कॉलेज का विकल्प डाल सकते हैं, आप अपने जिले का या यूपी में कहीं का, उसके हिसाब से कोई आपको एक कॉलेज मिलेगा। देखिए इस बच्चे ने जैसे 1 से लेकर 15 तक 15 कॉलेज डाले, इनको 2 नंबर मिल गया। और क्यों नहीं मिल पाया इनको, इनकी रैंक यहाँ थी 19,560 और यहाँ की जो क्लोजिंग रैंक आई ना इनकी कैटेगरी के हिसाब से 499। मतलब सोचिए किस्मत देखिए कितनी खराब है, मतलब थोड़ा बहुत नंबर का ही अंतर रहा होगा। ठीक है, इनके यहाँ परसेंटेज तो नहीं सो रहे हैं कितने नंबर थे, बहुत माइनर अंतर रहा होगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। और देखिए जब आपको कोई कॉलेज मिलेगा बोला गया ना यू आर रिक्वायर्ड टू पे 5,000 रुपये, ये 5,000 अब इसलिए आ रहा है कि ये कॉलेज मिला है इनको, ये फाइनल करना है कि नहीं। ठीक है, 5,000 तो ये काउंसलिंग में ऑलरेडी पे कर चुके होंगे। देखिए एक बात और, अगर ये कॉलेज नहीं लेंगे तो अब इनका 5,000 डूब भी जाएगा, ऐसा भी रहता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन, ठीक है सारी चीज़ें हो गई हैं यहाँ पर। उसके बाद विज्ञप्ति देख सकते हैं काउंसलिंग को लेकर, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, तो आवश्यक डॉक्यूमेंट्स एडमिशन समय अलॉटमेंट लेटर 10,000 पेमेंट पर मिलेगा, आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है आपका। ठीक है, काफ़ी बच्चे खोवा दिए होंगे लेकिन वेबसाइट को तब तक एक बार फिर चले, हाई स्कूल इंटरमीडिएट, ठीक है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट और सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन में प्रोविजनल से काम चल जाएगा आपका, निवास जाति लगेगा, पहचान है तो आवेदन पत्र में विवरण के अनुसार व्यक्तिगत पहचान पत्र, आधार कार्ड और शपथ पत्र। फिर मिलते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई ना आज। ठीक है, आप लोग कमेंट करिएगा जो भी आपका डाउट होगा फिलहाल, और अगर आप कहेंगे तो आपको हम वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे। ठीक है, वेबसाइट बनाइए, यहाँ से भी पैसे मिलते हैं। एंड्रॉयड ऐप आप बना सकते हैं, उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, लेकिन ऐप अगर बनाने की सोच रहे हैं ना तो पहले एक वेबसाइट बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका डाटा स्टोर कहाँ पर होगा ये सब भी देखना होगा। शिक्षक कैसे बनेंगे, शिक्षक बनने के लिए पहले डीएलएड करिएगा। यूपी छात्रों के लिए खुशखबरी ये है कि जल्दी वैकेंसी आपको भी देखने को मिलेगी, डेट एक्सटेंड होनी चाहिए। डायरेक्ट एडमिशन ये काउंसलिंग के बाद होता है। डैट कॉलेज की कट ऑफ जनरल में 230+, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 225+, एससी में 215+, बाकी में 200+। करेक्शन होगा कि नहीं, नहीं होगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।